Hello, student. Today we are going to start with our new chapter. That is chapter number five of Bio: The Fundamental Unit of Life. Now, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consisting of many little compartments. जब एक कॉक के स्लाइस को रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया तो उसने क्या देखा कि एक हनीकॉम जो uh, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके तरीके का एक स्ट्रक्चर देखा जो जिसके पास बहुत सारे छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स थे नाउ कॉक इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री कॉक कहाँ से आता है बार्क ऑफ ए ट्री ट्री के बार्क से आता है दिस इज दिस वाज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड This chance of the observation through a self-designed microscope. हुक ने किस किसके थ्रू देखा एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीजें भी देख सकते इन अ लार्ज वे मतलब लार्ज उसमें देख सकते छोटी छोटी चीजें नाउ रोबोट हु कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स उसने क्या इन बॉक्सेस को क्या कहा सेल्स कहा नाउ सेल्स इज अ अटिन वर्ड कम फ्रॉम अ लिटिल रूम सेल्स एक लैटिन वर्ड है जो कि लेटिन वर्ड है जो जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम नाउ दिस में टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट यह बहुत छोटा सा नजर आता है और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस और यह साइंस के हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट uh, था this was the first uh, this was the very first time that some someone had observed that living things appear to consist of a separate unity सबसे पहले time ऐसा हुआ था कि सबको पता चला था कि living things के पास एक अलग सी unit होती है the use word of cell to describe these units being used till this day in biology तो ये जो cell word है वो आज तक biology में use किया जाता है now let us find out about cells हम अब cells के बारे में पढ़ने वाले हैं now वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं लेटेज टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब सबसे पहले एक अनियन का स्मॉल पीस लेना विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर सेप्स एक फोर सेप्स की हेल्प से उसमें से वी कैन पील ऑफ द स्किन फ्रॉम द कौन के साइड साइड ऑन द अनियन अनियन के अंदर की साइड से एक पील निकालेंगे किसकी हेल्प से फोर सेप्स की हेल्प से नाउ दिस लेयर कैन पुट इमिजिएटली इन अ वॉच ग्लास इसको जल्दी से वॉच ग्लास के अंदर रखा जाएगा कंटेनिंग वाटर This will prevent the peel from getting getting folded or dry. दिस करेगा प्रिवेंट को फ्रॉम होने से और glass slide, put a drop of water on it. सबसे पहले ग्लास उसके ऊपर पानी का ड्रॉप डालो एंड देन ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ peel फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड वॉच ग्लास से किसके ऊपर डालना है स्लाइड के ऊपर डालना है नाओ मेक श्योर डेट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड सबसे पहले मेरे श्योर करना है कि जो पील है वो परफेक्टली फ्लैट हो गया है स्लाइड के ऊपर अ थिट कैमल कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील एक थिन कैमल हेयर होता है जो कि हेल्प करता है पेंट हेयर पेंट प्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प द ट्रांसफर द पिल एक छोटे से कैमल हेयर की हेल्प से हम उस पिल को एक एक स्लाइड से एक ग्लास से दूसरी स्लाइड पर ट्रांसफर कर सकते हैं नावो पे टू नाव वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेन नाइन हमने अब एक ड्रॉप किसका डाला सेफ एंड नाइन सोल्यूशन कलर डाला ऑन द पीस ऑफ फॉलोड बाई अ कवर स्लीप टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स सबसे पहले उसका टेक केयर करना पड़ा कि उसमें से एयर बबल्स क्रिएट ना हो नाउ कवर्स विद द हेल्प ऑफ माउंटेंग नि उसके बाद एक माउंटेक निडल से उसको कवर कर दिया गया आस्क योर टीचर फॉर हेल्प वी हैव प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पिल वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के दिस इज अवर माइक्रोस्कोप यहाँ आई पी से, यह है ये बॉडी ट्यूब है ये क्लिप माइक्रोस्कोप स्लाइड है कंडेंसर है कोर्स एडजस्टमेंट है फाइन एडजस्टमेंट है कोर्स मतलब डिप्ले एडजस्टमेंट फाइन मतलब उसका क्लियर व्यू होना चाहिए आर्म है ऑब्जेक्टिव लेंस है स्टेज है मिररर है एंड बेस है ओके नाउ इट्स इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस हमने लेंस के थ्रू देखा तो हमें क्या देखा कैन वी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर डेट वी आर एबल टू सी द थ्रू द माइक्रोस्कोप डज इट लुक लाइक इन दिस फिगर ये इस फिगर की तरह नजर आता है देखो यहाँ पे हनी कॉम स्ट्रक्चरस हैं प्लस ये जो स्ट्रक्चर्स uh, हैं जो कि हनी कॉम है इसको सेल बोलते हैं और जो बीच में उसके सेंटर में जो डॉट्स हैं उनको न्यूक्लियस बोलते हैं दिस इज अ सेल ऑफ एन अनियन पील। अनियन पील का एक सेल है सेल स्ट्रक्चर है ओके नाउ इन द वेरी नेक्स्ट नेक्स्ट पेज वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग अ टेम्प्रेरीउंट ऑफ पील ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस वॉट डू वी ऑब्जर्व डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर नाउ स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले डिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे की तरह दिखते हैं टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर ये एक साथ मिलके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक एन अनियन बल्ब एक अनियन बल्ब की तरह नाउ वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप डिफरेंट साइज के अनियन बल्ब के पास भी सिमिलर एक जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो नाउ द सेल्स ऑफ द अनियन पिल विल ऑल लुक द सेम जो सेल होते हैं अनियन पिल के वो सब एक जैसे लिखते हैं रिगार्डलेस द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम बस डिफरेंस ये होगा कि उसका साइज कैसा है दिस स्मॉल स्ट्रक्चर डेट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो बेसिक यूनिट किसकी है?

सिंगल सेल्स का एग्जाम्पल जैसे कि हमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया दिस ऑल वी आर कॉल्ड एज अ सिंगल सेल तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि हम रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था ठीक है ना नाउ The invention of magnifying lens led to the discovery of microscopic world. जो magnifying के lens की जो invention की थी उसकी वजह से microscopic world हमारा generate हुआ It is known and now known as the single cell may constitute a whole organism as in amoeba. जैसे कि amoeba के अंदर एक single cell organism है उसका भी पूरा structure हमें पता चल गया आज की date में Now अमीबा हो गया क्लेमिडोमनास हो गया पेरामोशियम हो गया बैक्टीरिया दीज ऑल आर कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनीलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको यूनीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्यों यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है एंड ऑन द अदर हैंड मेरी सेल्स ग्रुप टुगेदर बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप बनाते हैं इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और uh, जो मल्टी मल्टी मल्टीपल सेल से मिलके बनता है उसको हम मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिजम बोलते हैं और सिंगल सेल से मिलके बनता है उसे हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं डेट मीनस यूनी सेलूलर एंड मल्टीपल सेल्स मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके बनता है उसको हम मल्टी सेलूलर बोलते हैं सच सच एज समाई प्लाट्स एंड एनमल्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलूलर ऑर्गेजम एंड सिंगल सेलुलर ऑर्गेजम के एग्जाम्पल है क्लाइमिटोमासमीबा पैरामोशियम एंड बैक्टीरिया नाउ एवरी मल्टी सेलूलर फ्रॉम सिंगल सेल जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम सिंगल सेल्स से हाउ सेल्स टू प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड एक सेल अपने आप को और डिवाइड करती जाती है और डिफरेंट टाइप के सेल्स क्रिएट करती है अपने जैसे ही दैट्स वी कॉल्ड आर कमिंग फ्रॉम द सिंगल सेल्स मल्टी सेलुलर आर कमिंग फ्रॉम द सिंगल सेल्स नाओ ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इसलिए सारे सेल्स कहाँ से आएँ पहले जो सेल्स प्रेजेंट थे उसी से आए ना हो वी कैन ट्राई प्रिपेरिंग टेम्प्रेरी अमाउंट ऑफ लीव पील्स टिप ऑफ फ्रूट्स एंड अनियन और इवन पील्स ऑफ अनियन और डिफरेंट साइज हम लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स लेने हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द अब एक्टिविटी लेट अस सी वॉट

फाइंड डिफरेंस एमंग सेल्स हम लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है वॉर सिमिलर सिमिलरिटीज कूड वी फाइंड हमें क्या सिमिलरिटीज नजर आएंगी तो इसके लिए हम आगे रीड करते हैं सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एक जैसे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं नाउन लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर इन डेपिक्स और फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के सेल्स किस टाइप से दिखते हैं सबसे पहले आपको ये दिख रहा है स्मूथ मसल सेल्स ये हमारा है मसल सेल्स है। उसके बाद आपको ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं फिर ये नर्व सेल्स इसका सब स्ट्रक्चर सबसे डिफरेंट है नर्व सेल का उसके बाद ओवम है दैट इज ओवम इज इन द ओवरी एंड देन बोन सेल्स देन देन फैट सेल ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं Now, the shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells, like amoeba, have come changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar. peculiar फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स है टिपिकल शेप सबसे ज्यादा टिपिकल शेप किसकी नर्व सेल की है नाउ ईच लिविंग सेल हैज दिटी टू परफॉर्म सर्टिन बेसिक फंक्शन दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स हाउ डज आर लिविंग सेल्फ परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन अलग अलग सेल अलग अलग टाइप के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते है किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं नाउ वी नो देट देर इज अ डिविजन ऑफ लेवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर हमने काम को डिवाइड कर दिया मल्टी ऑर्गेनिज्म में सच एज ह्यूमन बींग सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं दिस मीन डेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी अलग अलग हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी हैजार्ट टू पम्प ब्लड हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए स्टमक टू डाइजेस्ट फूड स्टमक फूड को डायजेस्ट करता है एंड सो ऑन डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वर्क करते हैं राइट नाउ सिमिलरली डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन सिंगल सेल सिंगल सेल में भी अलग लेबर होता है काम होता है वो अलग तरीके से होता है इनफैक्ट इच सच सेल हैज गॉट सर्टन स्पेसिफिक कॉम्पोनेट हर सेल के पास एक अलग टाइप का कॉम्पोनेट होता है विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनिजिस्ट इसलिए उसको हम सेल ऑर्गेनिलीज बोलते हैं नाउ ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन हर सेल ऑर्गेनिली अलग टाइप का एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है एज मेकिंग अ न्यू मेटेरियल इन द सेल कोई नया मेटेरियल तो सेल में बनाना

इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड हैव जितने भी सेल्स मिले हैं वो एक जैसे ऑर्गेनली के ऊपर ही डिपेंड करते हैं नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन उनका काम क्या है या फिर उनके कौन से ऑर्गेनिज्म में वो मिलते हैं नो मैटर व्हाट देयर फंक्शंस इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन किस में मिलते हैं क्या काम है उनका उससे कोई मतलब नहीं सारे सेल ऑर्गेनिज का एक जैसे ही हैं नाउ दिज आर द क्वेश्चन हू डिस्कवर सेल एंड हाउ रॉबर्ट हुए मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुकी हूँ वाई इज द सेल कॉल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं वो आप ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द सेल मेडअप ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल ये हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आज के लिए स्टूडेंट्स टिल दैन स्टूडेंट्स वेक केयर